पीएफएससी 2023 के इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट में जो भी कैंडिडेट्स अपीयर होने वाले हैं उनके कुछ क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स टाइम एंड अगेन आता रहता है, तो बीच बीच में मैं आपको उन डाउट्स, उन टॉपिक्स को बताता रहता हूँ उनके इस वीडियो के माध्यम से। कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। अभी आपने देखा जो सिविल सर्विसेज का प्री है वो आपका मई में होने वाला था, उसको चेंज करके आपका 16 जून को कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो हमारा लोकसभा का इलेक्शन है इस ईयर में 7 स्टेज में होने वाला है, 7 चरण में होने वाला है, और जो लास्ट स्टेज है वो आपका 1 जून को हो रहा है, और काउंटिंग जो है वोटिंग का वो 4 जून को होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए जो डेट चेंज कर दिए गए हैं। अब सिविल सर्विसेज में चेंज, जो एग्जामिनेशन में चेंज करने का आप एक लॉजिक समझ सकते हो कि जो आपका बहुत सारा लॉजिस्टिक्स को अरेंज करना पड़ता है, बहुत सारे चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, ए लॉट ऑफ थिंग्स को मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं लॉजिस्टिक्स से लेकर के मैन पावर और ये सब। तो अब ये जो डेट चेंज किया गया है एक तरह से ये पॉजिटिव भी है, एक सही भी है, ठीक है। इस वजह से भी सही है कि आपके जो आप लोग जो एग्जाम में अपियर होते हो तो वो भी एक वोटर हो, आपको वोट करना चाहिए। तो यदि आपके पास ये टाइम मिलता है, ठीक है, तो टाइम यदि आपको मिल रहा है सफिशियंट, तो आप जाते हो वोट करने के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं, डिफरेंट जगह पे रहते हैं, तो वो शायद आपके वोटिंग नहीं कर पाते हैं। तो यदि आपका एग्जाम जैसे पोस्टपोन हो गया, इट डजेंट मीन कि आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। और एक तो जैसे देखोगे तो जो आपका 6th स्टेज था, तो 6th स्टेज आपका 25th मई को था, और 26th को आपका एग्जाम रखा गया था, 26th ये सॉरी मई को, तो इस वजह से वो कैंसिल कर दिया गया। अब रही आपकी इंटरव्यू की बात, पर्सनालिटी टेस्ट की बात, तो एक फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन होता है कि क्या डेट्स वगैरह के, तो जो एक ध्यान रखो कि आपका जो एग्जाम है, जो असिस्टेंट कमांडेंट का नेक्स्ट ईयर का एग्जाम है 24 का, वो 4th ऑफ अगस्त को है। इधर देखोगे ऑलरेडी मैं टाइम एंड अगेन इस चीज को बता चुका हूँ कि जो 2019, 2020, 21, 22 ये सबके साइकिल में प्रॉब्लम हुआ है। प्रॉब्लम ये हुआ है कि नेक्स्ट ईयर का एग्जाम पहले हो गया है और प्रीवियस ईयर का रिजल्ट बाद में आ रहा है। बट आई एम क्वाइट होपफुल, जो भी कुछ इनपुट्स हैं, जो भी कुछ मैं चीजों को जानता हूँ, जो भी मैं कुछ चीजों से अवेयर हूँ, इनफैक्ट और 22 में भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 22 वाला रिजल्ट जो है 23 के पहले आ जाएगा, लेकिन उन्होंने जस्ट 1 डे बाद कर दिया। तो ये एक अब यही इफेक्ट पहले कर देना चाहिए, इस वजह से कि जो सेलेक्ट हो चुके हैं अब वो तो एग्जाम ना दें, कुछ जो कैंडिडेट्स उसमें से नए को मौका मिलता। बट इस ईयर आई एम क्वाइट श्योर कि ऐसा होगा। तो आपका जो इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट है वो एक मान करके चलो कि करीब करीब 20th से 25th जून के आसपास किसी टाइम स्टार्ट हो सकता है। अब देखो इस बार अभी तक एग्जैक्ट नंबर नहीं, मुझे नहीं पता है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो फाइनली इंटरव्यू के लिए कॉल किए जा रहे हैं। तो आप ये जान रहे हो कि 2323 कैंडिडेट्स जो हैं वो रिटेन में क्वालिफाई किए थे, तो इसमें बहुत सारे जो थे वो 22 में ऑलरेडी क्वालिफाई हो गए हैं, फाइनल सिलेक्शन उनका हो गया है, तो ऑब्वियसली वो बाहर हो गए, बहुत सारे फिजिकल मेडिकल में बाहर। तो मेरा अनुमान है कि 1050+ माइनस जो भी है वो कैंडिडेट्स रहेंगे आपके पर्सनालिटी टेस्ट में, इंटरव्यू में। तो इतने कैंडिडेट्स का जो पर्सनालिटी टेस्ट है यूपीएससी जो इसको 1 मंथ में करीब करा लेगी, 1 मंथ में इन द सेंस कि मंडे से आपका फ्राइडे तक होता है, तो मंडे से फ्राइडे तक होता है यानी कि 5 वीक्स। तो 5 वीक्स में देखा जाए तो ये नॉर्मली है कि 40 to 50 कैंडिडेट्स को, 50 कैंडिडेट्स को 1 डे में कर सकते हैं। तो 50 कैंडिडेट्स को करते हैं तो 1 वीक में आपका 250 कैंडिडेट्स हो जाते हैं, तो 4 वीक्स में इसको कंप्लीट किया जा सकता है, 4 वीक्स में इसको कर लेंगे। या मान के चलो कि ऑन 40 कैंडिडेट्स को डेली करते हैं तो फिर 5 वीक्स आपका करीब ये लगेगा, ठीक है ना। तो 4 to 5 वीक्स में ये इस चीज को कंप्लीट कर लेंगे। अब जो आपके कमिंग डेज में क्या करना है, किस तरह से चीजों को वर्क करना है, ए लॉट ऑफ कैंडिडेट्स आपके हैं जो कि मल्टीपल एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हैं। मल्टीपल में है कि कुछ लोग होते हैं ऐसे
कि जो आ रहा है उसका प्रिपरेशन कर लो। कुछ लोग मल्टीपल में भी करते हैं तो सिमिलर टाइप्स के, जैसे आप असिस्टेंट कमांडेंट का दे रहे हो तो उसमें से कुछ है सीडीएस का भी एग्जाम देते हैं, कुछ है आपका सीएससी का एग्जाम भी देते हो, कुछ है स्टेट पीसीएस का भी देते हो, ये एक कॉमन है। अब कुछ तो है कि मतलब जो आ रहा है वो देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी को मैं मना कर रहा हूं या जो भी कर रहा हूं, नहीं, आप हर कैंडिडेट अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, अपने अपने तरीके से सोचते हो, अपने अपने कंडीशन के आधार पे निर्णय लेते हो, योर ऑन कंडीशंस जो भी हैं उसके बेस पे आप अपना डिसीजन लेते हो। तो आप जो भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हो उसको करो, मैं उसको मना नहीं करता हूँ। लेकिन एक चीज को ध्यान रखो कि ये जो एग्जाम है इसमें आप क्लोज में पहुंच चुके हो, इसमें आप जो है मेडिकल फिजिकल रिटेन सब क्वालिफाई कर चुके हो। अब वन मोर स्टेप बचा हुआ है, और इस मोर वन मोर स्टेप में इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन और रिजेक्शन की इशू नहीं होती है। जैसे जस्ट इमेजिन करो कि किसी जॉब में आप जाते हो, आपने हर प्रोसेस में अच्छा किया और फाइनल मान के चलो एचआर राउंड है या टेक्निकल राउंड या जो भी कोई ऐसा राउंड है जिसमें आपने सही नहीं किया, वहीं आउटराइटली आपका एक तरह से सिलेक्शन टूट जाता है। लेकिन यहाँ क्या है कि आपने प्रीवियस जो किया है, प्रीवियस में 450 मार्क्स के जो रिटेन पार्ट है उसमें जो भी आपने परफॉर्म किया है उसके बेस पे प्लस जो पीटी पर्सनालिटी टेस्ट में जो आप वर्क करोगे तो दोनों का कंबाइंड जो है 600 मार्क्स होंगे, उस बेस पे ये आपका रिजल्ट होगा। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके ऑलरेडी रिटेन में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, एवरी टाइम आप देखोगे वन स्टूडेंट हमारे थे उनका ठीक है रिटेन में 278 मार्क्स था, 278 मार्क्स था। अब पर्सनैलिटी टेस्ट में उनके अच्छे मिलते तो वो टॉप 10 में आ सकते थे, टॉप 20 में, लेकिन एनीवे वो उनका अंडर 100 आया क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट में बहुत खराब मार्क्स आए। अब पर्सनैलिटी टेस्ट में बहुत खराब आया फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका रिटेन में बहुत अच्छा नहीं है तो उनके लिए पर्सनैलिटी टेस्ट में बहुत अच्छा करना जरूरी होता है। तो ये इस चीज का ध्यान रखो कि जो आप इस एग्जाम में रिटेन फिजिकल मेडिकल सब क्वालिफाई हो तो आप जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम आप फाइनल सिलेक्शन में हो। आप सिविल सर्विसेज का दे रहे हो, नो डाउट, मैं उसे मना नहीं करता हूं कि आप नहीं दो। आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम देने वाले हो या उसका प्रिपरेशन कर रहे हो किसी, अब इंडिया में ए नंबर ऑफ स्टेट्स के अपने अपने स्टेट पीसीएस के एग्जाम है, तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं दो तीन स्टेट्स के देते हैं जहां सिमिलर। अब जस्ट इमेजिन करो कि नॉर्मली सो लैंग्वेज का एक बैरियर होता है। अब सपोज करो कि एक यूपी का स्टूडेंट है वो तमिलनाडु का एग्जाम नहीं देने जाएगा स्टेट पीसीएस का क्योंकि वो उस चीज से कंफर्टेबल नहीं है। अब यूपी का जो स्टूडेंट है तो यूपी का देगा, वो बिहार का देगा, उत्तराखंड का देगा, झारखंड का सपोज दे रहा है तो सपोज फोर स्टेट का, या राजस्थान का, मध्य प्रदेश का दे रहा है, या तमिलनाडु के जो है तो मे बी वो केरला पीसीएस का दे सकते हैं, कर्नाटका का दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उनका एग्जाम पैटर्न है उनसे मैच करता है या नहीं। तो वन टाइम में एवरी कैंडिडेट होते हैं टू थ्री एग्जाम्स देते रहते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट एक ऐसा स्टेप है जहाँ ये रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि आप एकदम किताब निकालो, बुक्स नोट्स निकालो और 10 आवर्स 20 आवर्स पढ़ते रहो, नहीं, ये इसकी आवश्यकता नहीं है कि आप 10 20 आवर्स पढ़ो। इसमें आवश्यकता होती है कि आप एवरी वीक 2 to 3 आवर्स या डिपेंडिंग ऑन 2 to 4 आवर्स दो। उस 2 to 4 आवर्स में क्या है, एक बार आप अपने डीएफ को एवरी वीक देखो, उस डीएफ से संबंधित कुछ चीजें आपको, जैसे क्या होता है ना कि आप, मैं हमेशा जो भी कैंडिडेट्स मेरे से पर्सनल रूप से जुड़े हुए हैं आइदर पेड में हो या नॉन पेड में हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पेड में हो तो ऑब्वियसली है मैं ज्यादा सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, नॉन पेड में होते हो तो कुछ चीजें जो कुछ इश्यूज होते हैं उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो नोट्स वगैरह बनाते हो, जो वर्क कर रहे हो, वन गो में ना करो, धीरे धीरे आप करो, धीरे धीरे एक चीज आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया कि ये सेक्शन है, सपोज करो आपके एज ए पर्सन हो, आपका स्टेट, आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो तो 5 पेजेस उसमें छोड़ दिया, 10 पेजेस छोड़ दिया, उसमें कुछ चीजों को अभी लिखो, फिर ग्रेजुअली कुछ कुछ चीजें आते रहती है तो उसको लिख लो, कुछ इवेंट इंसिडेंट कुछ घटनाएं होती है उसको आप ऐड कर लोगे, चाहे वो पॉजिटिव में हो निगेटिव में हो उसको थोड़ा थोड़ा ऐड करते चलना है। जब आप सपोज मॉक इंटरव्यू अटेंड करते हो उसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछा गया, आप प्रिपेयर्ड थे लेकिन प्रिपेयर्ड होने के बावजूद भी आपसे कुछ क्वेश्चंस नहीं बन पाए, आपने कुछ क्वेश्चंस जवाब नहीं दे पाए,
तो उसको आप नोट डाउन करो। ग्रुप में कुछ सेशंस चलते हैं, उसमें कुछ टॉपिक्स दिए गए, कुछ उसमें डिस्कस किया गया, वो आपको लगता है कि यस ये डायमेंशन से इस डायरेक्शन में हमने चीजों को नहीं देखा, तो उसको ऐड करते चलना है थोड़े थोड़े करके। इवन इफ आप किसी और एग्जाम में सीरियसनेस में दे रहे हो, तब भी 2 to 4 आवर्स इनको देते रहो, थोड़े थोड़े अटैच रहोगे। फिर वेयर एवर यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी, आपको थोड़ा थोड़ा बोलते रहना है, थोड़ा थोड़ा बोलते इन सेंस है कि जैसे आप, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि यदि आप कहीं पेड प्रोग्राम नहीं ज्वाइन करते हो, तो आप 3 4 का ग्रुप है उसमें भी आप ये अपना कुछ जो ओपिनियंस है उसको रख सकते हो, उसको बोल सकते हो कि हाँ हम ये चीज सोचते हैं, हम ये हमारा व्यू पॉइंट है, तो आप अपने व्यू पॉइंट को रख सकते हो। आप अपने फ्रेंड्स, अब कोई भी आप जो रिटेन क्वालिफायर हो फिजिकल मेडिकल, तो एक मिनिमम मेच्योरिटी हर कोई रखते हो। हाँ, जिस कैंडिडेट को है कि यस मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं जज कर सकूं, या हमारा जो सर्किल है मुझे नहीं लगता है कॉन्फिडेंस है, तो आप किसी भी जो गाइड कोई कर रहे हैं, जो भी प्रोग्राम चला रहे हैं, आप उनसे जुड़े हो, जहां भी संभव हो सकता है, जो पर्सनल रूप से आपको टाइम दे सकते हैं उनके पास जुड़ो। मैं इस एग्जाम में लंबे टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अधिक से अधिक कोशिश करता हूँ कि पर्सनल रूप से कैंडिडेट से जुड़ूं, पर्सनल रूप से उनके चीजों को करूं। तो जितने भी आपके डीएफ में चीजें हैं, करंट अफेयर्स में चीजें जो चल रही है, तो थोड़े थोड़े ऐड करते चलो। 2 to 4 आवर्स टाइम दो, उसमें से क्या है कुछ यदि ग्रुप सेशन होता है उसको अटेंड करो, कुछ पर्सन हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, तो उनसे इंटरेक्ट करो। कुछ जो मॉक इंटरव्यूज अपलोडेड होते हैं यूट्यूब में, आप इन नंबर ऑफ ये इंटरव्यूज पाओगे, मेरे ही चैनल में हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स जो सक्सेसफुल हुए हैं उनके अपलोड किए हुए हैं, बीच बीच में करता रहता हूँ, उनको देखते रहो। यस ये कैंडिडेट अब हर तरीके से जब आप देखोगे, तो कुछ कैंडिडेट्स को आप पाओगे कि आपके लायक वो हैं, आपके लायक इन द सेंस है कि आपके सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड या आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके अनुसार कुछ ना कुछ कैंडिडेट्स मिल जाते हैं। अब एकदम हर हर पर्सन तो यूनिक है, लेकिन ड्रास्टिक यूनिक नहीं है, कुछ ना कुछ चीजें आप कॉमन पाते हो, कॉमन पाते हो। कभी कभी क्या है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि हमने इंजीनियरिंग हम ग्रेजुएट हैं तो ये सामने वाला भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, यदि हम सेकेंड टाइम में ये रिटर्न क्वालिफाई हुए तो ये भी हो सकता है, या हमारी कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है कम्युनिकेशन में तो इनके भी हैं, तो उस टाइप के जो सिमिलर पर्सन को पाते हो तो उनके ऊपर उनका 2 3 बार अपना देखो बीच बीच में। अब इसमें क्या है, कुछ चीजें जो पड़ी हुई है यूट्यूब पे आप मल्टीपल टाइम देख सकते हो, उसमें कोई चार्जेस नहीं है, उनको देखो उनको समझो, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखो कि जो आपका इम्प्रूवमेंट है वो एक कंटिन्यूअस जर्नी है, रिटर्न और जो आपका वाइवा जो इंटरव्यू होता है उसमें डिफरेंस ये है कि रिटर्न में हमें किसी चीज को ऑर्गेनाइज करने का टाइम मिलता है, और अब 3 आवर्स का मान के चलो आपका पेपर 2 है, आप एक ऐसे लिख रहे हो, आपके पास ऐसे देखा जाए तो 18 मिनट्स पड़ता है, हम 22 मिनट्स भी ले सकते हैं, हमारी फ्रीडम है, हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे किस ढंग से हमको लिखना है, लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट में आपको ये टाइम नहीं मिलता है। पर्सनैलिटी टेस्ट में ऐसा नहीं होता है कि आपको वहां टाइम मिल रहा है उसको ज्यादा सोचने के लिए, आप 10 सेकेंड 20 सेकेंड 15 सेकेंड्स इतने ले सकते हो। तो इसमें से आपको बहुत ज्यादा कि आप को कोई क्वेश्चन दिया गया आप उस पर सोचोगे उसके बाद बोलोगे, नहीं ये उस पर्पज से है ही नहीं। इसका पर्पज जो पर्सनालिटी टेस्ट का पर्पज है वो डिफरेंट है, जो डिटेल्स है पर्सनालिटी टेस्ट का वो उसको ऑलरेडी मैं डिस्कस किया हुआ हूँ कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जिस पर आपसे वो पूछते हैं। जो एक तो सबसे पहली बात है कि किसी पर्सन से आप मिलते हो, किसी को देखते हो, जितने भी प्रोफेशनल पर्सन हैं, इधर वो कारपोरेट में हो या फिर आप यूनिफॉर्म फोर्सेस में हो, खास करके कॉरपोरेट में अभी देखा जाए तो कुछ एक ऑफिसर्स होते हैं वहाँ लिबरल होता है, जैसे मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को भी देखता हूँ तो इवन वो सीनियर लेवल पे हैं बट इनफॉर्मल में तरीके से जाते हैं, टी शर्ट जीन्स शूज नहीं है तो स्लीपर में भी चले जाते हैं, मतलब इन द सेंस है शूज पहनने का नहीं मन है तो वो स्लीपर में भी चले जाते हैं, शॉर्ट्स में भी चले जाते हैं, और सीनियर सीनियर लेवल पे मैं देख रहा हूँ क्योंकि मेरे जो भी बैचमेट्स हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के, तो मैं बैंगलोर रेगुलर रूप से फ्रिक्वेंटली जाता रहता हूँ, तो मैं जिनके साथ रहता हूँ वो लोग को मैं देखता हूँ, हाँ एकदम कैजुअल लेते हैं, क्या स्टाफ भी उस ढंग से हैं, कुछ है जैसे आपने कंपनी खोले हुए हैं, लेकिन कुछ कंपनीज में देखोगे एमएनसी वगैरह में
तो उसमें आपको रहता है कि प्रॉपर फॉर्मल तरीके से रहना है, जो उसमें सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो सीनियर लेवल पे होते हैं, वो देखोगे कि प्रॉपर टाई वगैरह लगा के जा रहे हैं, कुछ और सूट्स पहन के जा रहे हैं, आपको आई कार्ड हमेशा टांग करके रखना है, आई कार्ड लेकर के। तो कुछ जगह चीजें उस ढंग से होती है, लेकिन यूनिफॉर्म फोर्सेस में आप देखो वहाँ क्या है कि रेगुलर रूप से आप सेविंग करते हो, एक्सेप्शन जैसे कुछ कम्युनिटीज हैं उनको वो लिबर्टी मिला हुआ है, या कुछ एरिया में आप होते हो जैसे लेट अस टेक माओइस्ट अफेक्टेड एरिया में होते हो, तो हाँ आपको फ्रीडम दिया जाता है कि आप सेविंग्स ना करो, आप बहुत बार उसमें ऑपरेशन किया जाता है या कुछ चीजें कराई जाती है, तो उसमें आइडेंटिटी हाइड करने के लिए बोला जाता है। अदरवाइज जनरली देखोगे कि मेजोरिटी केसेस में आप डेली सेविंग करते हो, प्रॉपर तरीका से ड्रेस आपका एकदम प्रॉपर रहता है, उसमें आप जैसे देखोगे कि जो हम नॉर्मल शर्ट वगैरह रखते हैं क्या आप फोल्ड करके, वहाँ नहीं, वहाँ इस ढंग से रखना है कि आपका क्रीज जो है आप पेश किए हुए हो, तो वो प्रॉपर सही रहना चाहिए। बहुत सारे जगह ये चीज होता है कि आप एक बार ड्रेस को आप वन टाइम पहनो, फिर उसके बाद धुलने के लिए आपकी सारी फैसिलिटीज होते हैं एज ऑफिसर्स के तौर पे। तो ये जो इम्प्रूवमेंट है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। पर्सनालिटी टेस्ट में भी आप धीरे धीरे करके नहीं आपको कम्युनिकेट हो पा रहा, आप ट्राई करो, जो भी कैंडिडेट होते हैं जिनके जो प्रॉब्लम होते हैं मैं पर्सनल रूप से उनको बताता हूँ, हाँ ये आपको करना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरी खुद कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, मेरी खुद पर्सनालिटी जो है उतनी अच्छी उस जो एक होना चाहिए शायद नहीं है, लेकिन जो कुछ हो सकता है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। और परफेक्शन यहाँ नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मैं बार बार यही चीजें कहता हूँ कि ये मत मानो। मैं अपने पर्सनल स्टूडेंट्स जो पर्सनल रूप से जुड़े हुए हैं उनको भी हमेशा ये कहता हूँ, ये मत सोचो कि हम एक ऐसा दिन आएगा और हम परफेक्ट हो जाएंगे, वो कभी नहीं आएगा, वो दिन नहीं आएगा। आप जिस भी कंडीशन में हो उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहो, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट करते रहना। मैंने कुछ कैंडिडेट्स के अपलोड बताया, आपको मार्क्स बताता रहता हूँ ओपन में, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके 110 आते हैं और उनके आप कम्युनिकेशन स्किल्स देखना, मे बी इनका कम्युनिकेशन जो 110 लाए उनका कम्युनिकेशन कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनका 85 आया है उनसे खराब होगा, इनका मे बी जो 85 आया उनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो सकता है, पर्सनैलिटी अच्छा हो सकता है रादर देन इसके, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हो, कॉन्फिडेंट हो पर हो, सिर्फ वही नहीं देखा जाता, ये भी देखा जाता है कि आपका जो एकेडमिक्स किस ढंग से है, आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड किस ढंग से है, आपने लाइफ की जर्नी किस ढंग से ट्रैवल की है, आप ऑनेस्टी कितने दिखाते हो, सारे फैक्टर्स जो है किसी जो आपका जवाब है वो क्या आपके डीएफ से मैच कर रहा है, तो जितनी ऑनेस्टी आप रखते हो, जितने इंटेग्रिटी आप शो करते हो, जितने आप लीडरशिप की क्वालिटी शो करते हो, जितने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करते हो, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आप जिस भी कंडीशन में देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, और ये एक कंटिन्यूअस होगा। आप कभी भी कोई भी पर्सनालिटी टेस्ट है कि 2 दिन में पूरे रट करके नहीं कर सकते हो, जो कुछ बिहेवियर्स होते हैं आप बहुत सारे पर्सन को देखोगे जो हैबिट्स होते हैं वो हैबिट्स जीवन भर नहीं जाते हैं, आप किसी भी पर्सन को लो, चाहे आप टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट को लो, आप टॉप पॉलिटिशियंस को लो, हर की एक जो अपनी पर्सनालिटी ट्रेट होती है और वो चेंज आपका इतना आसानी से नहीं, कुछ लोग हैं उसको इन्वायरमेंट करते हैं, जैसे लेट अस टेक लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव का एक अपना ऑरा है, अब मे बी कोई जो इंडस्ट्री में है बोलेंगे कि इसको पॉलिटिशियंस किसने बना दिया, मे बी कुछ ये कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक लार्ज सेक्शन है जो जिन जिन लोगों ने उन्हें लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाया, टॉप का लीडर बनाया, तो कहीं ना कहीं ए लॉट ऑफ लार्ज सेक्शन है सोसाइटी के वो उनको लाइक करते हैं। तो हम एक कॉरपोरेट वर्ल्ड वाला, एक आईआईएम का बंदा है और एक लालू प्रसाद यादव, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, दोनों अपने अपने फील्ड में है, तो दोनों को हम सेम तरीके से, लेकिन जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, जो आपका इंटरव्यू है यूपीएससी का, तो पैरामीटर सबके लिए सेम है, लेकिन उस पैरामीटर में भी डिफरेंट कैंडिडेट्स को डिफरेंट बेसिस पे दर्ज किया जाता है। कोई एक कैंडिडेट है डीपीएस से पढ़ा हुआ है और कोई एक वो स्टूडेंट है जो सरकारी स्कूल में बोर्डा लेकर के पढ़ने के लिए जाता था, मैं खुद उस बैकग्राउंड से आया हूँ जहाँ मैं अपने एक जो
ये होता है ना जूट बैग या जो भी, उसको लेकर के जाता था शुरू में, उसको बिछा करके बैठता था, क्योंकि तब जो है डेस्क और बेंच स्कूल में नहीं हुआ करता था। अब आज के डेट में हो गई है, और जहाँ डेस्क और बेंच नहीं है तो वो बिछाने के लिए मैट है या दरी है, जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, लेकिन आज के डेट में मैक्सिमम जगह जो बेंच डेस्क की फैसिलिटी हो गई है। तो जो एक डीपीएस में पढ़ा हुआ है, या जो कोई एक आईआईटी से पढ़े हुए हैं, कोई एक मेडिकल कॉलेज में पढ़े हुए हैं, और एक जो कोई सपोज इग्नू से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो आप एक ये जो जर्नी है उसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते रहना है। आप अपने डीएफ पे भरोसा करो, आप अपने 100 लाइफ जिए हो एटलीस्ट। कोई भी कैंडिडेट जो इंटरव्यू में अपियर हो गए, 21 ईयर्स से तो कम कोई नहीं हो गए, तो 21 ईयर्स का आपने जर्नी, क्योंकि 20 ईयर्स में तो आप इलिजिबल ही होते हो, तो यानी कि आपका जो 1 अगस्त 2023 को आप कम से कम 20 तो हो गए थे, तो अब जब इंटरव्यू आप दोगे तो 21 के करीब, अब एग्जैक्ट उसी दिन डेट ऑफ बर्थ हो तब 21 ईयर से थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ये हम रफ में मानते हैं ना कि मिनिमम 21 ईयर्स के सब लोग हो गए। कुछ 22 के हो गए, कुछ 25 के हो गए, कुछ 28 के हो गए, कुछ 30 के हो गए, 30+ में बहुत कम होंगे, मतलब इस वजह से कि जिनका एक्स्ट्रा मिला हुआ है, जैसे जो एक सर्विस मैन वाले हैं, ग्रुप रिजर्वेशन मतलब कम्युनिटी रिजर्वेशन प्लस एक सर्विस मैन, या फिर कम्युनिटी रिजर्वेशन और प्लस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन इंप्लॉय हैं, तो उन्हीं के लिए 30+ वाले में वो लीग में आएंगे। अदरवाइज जनरली जो है आप 21 से लेकर के 29 के आसपास तक में मीन्स कर सकते हो, 21 से लेकर के 31 के आसपास तक जनरली जो है कैंडिडेट्स हो गए। तो आपने इस जर्नी में जो भी कुछ सीखा है उस पर ही कंटिन्यू वर्क करते रहना है। और एक चीज ध्यान रखो कि ये पर्सनालिटी टेस्ट है, एंड द मोर ओरिजिनल यू आर बेटर इट इज। कभी भी आप दूसरे को कंपेयर ना करो। जो मंकी है वो पेड़ पर चढ़ने में एक्सपर्ट है, तो मे बी स्विमिंग करने में का जो उन्हें दिया जाएगा, तो या पानी में गोता लगाने का, तो वो उसमें कछुआ बेटर कर सकता है, ठीक है। या जो मछली है वो पानी में बेटर तरीके से एडेप्ट रहती है राधा दैन एक मंकी, या कोई भी, अब जो भी पर्सन है उसके अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, उसके अपने पॉजिटिव्स हैं, उसके अपने निगेटिव्स हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आप ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट वेरी फ्यू कैंडिडेट होते हैं करते हैं, लेकिन ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट जो है वो रेगुलर रूप से पीपल करते रहते हैं। और यही जो थोड़े थोड़े, ये एक आपने शिव खेड़ा, वन ऑफ द मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बुक्स उनका यू कैन विन शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने तो मल्टीपल टाइम ये पढ़ा था। तो उसमें ये बोलते हैं ना कि जो आपको किसी एक फील्ड में 1000% इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, 1000 फील्ड में 1-1% एक तरह से इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो थोड़े थोड़े आपको करते चलना है, जो भी आप जिस भी कंडीशन में हो, जिस भी स्थिति में हो, आप वर्क करते रहो। और हमेशा इस जर्नी में कोई ना कोई आपके टीचर मेंटर होने चाहिए। उससे क्या होता है कि जहां हम कहीं स्टक होते हैं तो वहां वो लोग हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। कोई भी पर्सन हो, कभी ना कभी लोगों की जरूरत पड़ती है, देर आर एक्सेप्शंस। हाँ, ये हम मानते हैं कि इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो आपके एग्जाम्स हैं, यूपीएससी या कोई भी, जिसमें हम विदाउट किसी हेल्प के भी कर सकते हैं, किसी से हमें हेल्प ना ले तब भी हम कर सकते हैं, लेकिन इस जर्नी में यदि कोई साथ हो, कोई आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे प्रेशर होते हैं, प्रेशर फैमिली का प्रेशर होता है, परफॉर्म करने का प्रेशर होता है, एज का प्रेशर होता है, कंपटीशन का प्रेशर होता है, फ्रेंड्स का प्रेशर होता है, लाइफ के पर्सनल इश्यूज होते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आते रहते हैं। तो कोई भी आपका टीचर मेंटर गाइड जो होते हैं, आप उनसे कुछ चीजों को शेयर कर पाते हो। आज के डेट में मैं लकी हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अपनी अपनी इश्यूज को शेयर करते हैं, और जहां तक हो सकता है मैं कुछ उनको गाइड करता हूँ, कुछ चीजों को बताता हूँ। मैं कभी ये नहीं करता हूँ कि मैं आपको सेलेक्ट करवा दूंगा या मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा, नो, आपको ही अपनी समस्या का समाधान करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, किसी चीज को करते हैं, तो मे बी क्लियरिटी ऑफ थॉट नहीं होता है, या जो कुछ हम सोच रहे हैं वो मे बी कंप्लीट नहीं हो, तो उसमें कोई हमारे साथ होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो
तो वो थोड़ा गाइड करते हैं तो चीजें अच्छी चलती है। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669। जो कैंडिडेट्स प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो पेड वो भी कर सकते हो मैसेज, जो नहीं ज्वाइन करना चाहते हो वो भी मैसेज करो यदि आपको कुछ डाउट्स क्वेश्चंस क्यूरी है। मैं क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स पूछने में कभी किसी को मना नहीं करता हूँ, जितना हो सकता है मैं रिप्लाई करता हूँ, लेकिन सबके पास लिमिटेड टाइम होता है, उस लिमिटेड टाइम में जितना हो सकता है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ओके, थैंक यू, कीप कंटिन्यू।